वही वीडियो देखो जो आए बिना ब्रेक के। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। नमस्कार, मैं हूँ श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। हरियाणा में आज भी सियासी हलचल का दिन है। बीजेपी और जेजेपी दोनों खेमों में जबरदस्त हलचल है। सरकार पर डील पक्की हो चुकी है। मनोहर लाल खट्टर दूसरी बार सीएम बनेंगे ये तय हो गया है, लेकिन डिप्टी सीएम पर पेच अभी भी फंसा हुआ है। जी हाँ, आपको बता दें, दुष्यंत चौटाला और उनकी माँ नैना चौटाला में डिप्टी सीएम कौन होगा, इस पर सस्पेंस बना हुआ है। इधर चंडीगढ़ में बीजेपी विधायक दल की बैठक पर शुरू होने वाली है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद बतौर पर्यवेक्षक मीटिंग में पहुंचे हैं। इस बैठक में खट्टर को विधायक दल का नेता चुना जाना तय है। उधर जेजेपी भी डिप्टी सीएम का पेच सुलझाने के लिए बैठक कर रही है। 11 बजे ही बताया जा रहा था जेजेपी भी बैठक करेगी, जिसके बाद ये तय हो जाएगा कि कौन होगा नेता। सारे सदस्य अर्थात सारे एमएलए अपने नेता का चुनाव करेंगे, नेता के चयन के बाद ही बात आगे बढ़ती है। सर, पांडे जी का समर्थन लिया जाएगा बीजेपी की तरफ से? नहीं, अभी हमने हमारे पास समर्थन आए, हमने तय करना है कि हमने समर्थन किसका लेना है। तो क्या देख सर, अनिल जी कह रहे हैं मुझे पता ही नहीं है किसके साथ गठबंधन हुआ है। चलिए अनिल जी से बात कर लेंगे। दिया है क्या, उनका समर्थन दिया जाएगा? अभी अभी हम इस पहले अपने नेता का चयन करें और फिर हम आपको सारी स्थिति स्पष्ट कर देंगे। हमारे 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 दो ऑब्जर्वर आए हैं, उनके साथ बैठकर हम सारी स्थिति पर चर्चा करेंगे, फिर आपको बताएंगे। और सत्येंद्र चौहान हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सत्येंद्र, विधायक दल की बैठक सबसे पहले तो बताइए कि कब शुरू हो रही है, और साथ ही साथ ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि निर्दलियों को लेकर क्या कुछ तय हुआ कि उनका समर्थन लेगी बीजेपी की नहीं लेगी? देखिए श्वेता, सबसे बड़ा पेच यहीं पे फंसा हुआ है। एक तरफ निर्दलीय हैं तो दूसरी तरफ जननायक जनता पार्टी है। अब पहले बातचीत निर्दलीय विधायकों के साथ फिक्स हो गई थी, उसके बाद जो है अब जननायक जनता पार्टी के विधायकों से भी बात हो चुकी है और नियम और शर्तें तय हो चुकी है। इसके साथ साथ मैं दृश्य भी आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, यहाँ पर जो है विधायक दल की मीटिंग यहाँ पर बुलाया गया है। और दूसरी बात आपके पास चौटाला को बैठाकर और गोपाल कांडा को बैठाकर समर्थन के लिए लेके आएंगे ना सर? देखिए, अब कोई भी आता है तो किसी के लिए कोई दरवाजे तो बंद नहीं किए जाते हैं। अब कोई आता है समर्थन देने के लिए, मैंने आपको बताया कि प्रजातंत्र है। अब हाउस के अंदर कोई मेंबर जीतकर आया है, वो किसको समर्थन करता है किसको नहीं करता ये उसकी अपनी मर्जी। दोनों मुख्यमंत्री का भी फार्मूला हरियाणा में हो सकता है? नहीं, अभी ऐसा कोई विचार नहीं आया। सर, आप बोले कि बात कर रहे हैं सीएम डिप्टी सीएम फार्मूला ठीक लग रहा है, लाइंस की बात करें जिस तरह से नहीं, हाईकमांड ने तय किया है और ठीक है, क्योंकि दोनों पार्टियां मिलकर चलेंगी और दोनों पार्टियों की राय रखते हुए हमारा लार्जर ग्रुप था, हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थे, इसलिए हमने अपना मुख्यमंत्री हमारा होगा और उन्होंने हमें समर्थन किया है तो उनका डिप्टी सीएम होगा। कौन होगा ये वो फैसला करेंगे उसका, और हमारा सीएम कौन होगा इसका अभी हम विधायक दल की मीटिंग में तय करेंगे। लेकिन सर, पहले कितना होगा सर गठबंधन, ये गठबंधन कितना स्थायी होगा, आपको कितना लंबे चलता है ये, आप क्या नहीं देखिए, प्रदेश के हित में हमने गठबंधन किया है। कॉमन जो एजेंडा है इसमें प्रदेश का हित है, तो मैं समझता हूँ कि ये पूरा लंबा चलेगा और 5 साल पूरा चलेगा। और इस वक्त हमारे साथ मंजीत सहगल भी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मंजीत, आपके पास क्या कुछ जानकारी है, क्योंकि एक बार फिर से समर्थन को लेकर और खास करके गोपाल कांडा के नाम को लेकर के अनिल विज भी खामोश, तमाम पूरी पार्टी खामोश। जी बिल्कुल श्वेता, जहां तक जनता जननायक पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के मिलकर सरकार बनाने का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता नाराजगी जता रहे हैं। अनिल विज उनमें से एक हैं, जो हालांकि पार्टी के खिलाफ के फैसले के खिलाफ नहीं जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने नाराजगी जताई है। दूसरी तरफ अगर जननायक जनता पार्टी के नेता दुष्यंत चौटाला की बात करें तो वो भी कई नेताओं अपनी ही पार्टी के कई नेताओं के निशाने पे हैं। तेज बहादुर उनमें से एक है, उनकी अपनी दादी ने भी कहा है कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देके सही नहीं किया है। लेकिन कुल मिलाकर अब
भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी के बीच में संतुलन बनाने की जो कवायद है वो शुरू हो गई है। पहले दुष्यंत चौटाला को उप मुख्यमंत्री बनाने की बात की जा रही थी, लेकिन अब महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने की बात हो रही है, तो उनकी माता नैना चौटाला को उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है और दो और जो जेजेपी के जो विधायक हैं उनको भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। लेकिन ये फैसला और नाम की जो औपचारिक घोषणा है वो राज्यपाल से मिलने के बाद की जाएगी। फिलहाल उम्मीद ये की जा रही है कि दो विधायकों को और नैना चौटाला को मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी, और क्योंकि दुष्यंत चौटाला खुद को पार्टी के लिए ज्यादा समय देना चाहते हैं, वो राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी को मजबूत। और जानकारी आपके आपसे लेंगे, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका। रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। तो चंडीगढ़ में विधायक दल की बैठक में पहुंच चुके हैं मनोहर लाल खट्टर। सत्येंद्र हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। सत्येंद्र, आपकी बात पूरी नहीं हुई थी, जानना चाहेंगे, कई बातें अब सामने आ गई है, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आखिर बीजेपी सोच क्या रही है, निर्दलियों को लेकर क्या सोच रही है, जेजेपी में कहां पर पेच फंसा हुआ है, क्योंकि डिप्टी सीएम को लेकर मां या बेटा ये नाम अभी भी तय नहीं हुआ है। देखिए श्वेता, सबसे पहले तो आपको बता दूं, दो जगह पर मीटिंग चल रही है, एक तरफ जननायक जनता पार्टी की विधायक दल की मीटिंग चल रही है तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की विधायक दल की मीटिंग इस हॉल में चल रही है। और मीटिंग कहीं ना कहीं विधिवत रूप से शुरू हो चुकी है, क्योंकि पार्टी के जो अन्य नेता हैं जिनमें प्रदेश अध्यक्ष वगैरह हैं उनको बाहर निकाल दिया गया है। अब बात मुद्दे की, सवाल सबसे बड़ा ये है कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था निर्दलीय विधायकों से कि आपको मंत्री पद दिया जाएगा, सम्मान दिया जाएगा, लेकिन डर ये था कि निर्दलीय विधायक कहीं टूट ना जाए, लिहाजा एक मजबूत साथी के रूप में जननायक जनता पार्टी को ऑफर दिया गया। शर्तें ये तय हुई कि डिप्टी सीएम, दो कैबिनेट मिनिस्टर और जो दुष्यंत चौटाला के भाई हैं उनको जो है राज्यसभा में भेजा जाएगा। ये बातें खुलकर कहीं ना कहीं सामने आ रही है। और अब जननायक जनता पार्टी की विधायक दल की मीटिंग भी शुरू हो चुकी है, उसमें अब ये कहा जा रहा है कि दुष्यंत चौटाला राष्ट्रीय या फिर राजकीय तौर पर एक नेता के रूप में उभरना चाहते हैं और उसकी जगह पर अपनी मां को वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाना चाहते हैं। हालांकि ये उनकी पार्टी का अंदर का मामला है, भारतीय जनता पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है। तो दूसरी तरफ दृश्य भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप देखिए, ये वो हॉल है जहाँ पर अभी बस बहुत जल्द विधायक दल की मीटिंग शुरू होने वाली है। और अभी विधायक दल अनौपचारिक रूप से मनोहर लाल खट्टर, रविशंकर प्रसाद, अनिल जैल के साथ वो लोग दूसरे हॉल में बैठे हुए हैं और बताया जा रहा है कि किसको क्या बोल रहा है। सत्येंद्र, आप पूरी खबर पर नजर बनाए रखें, लौटेंगे आपके पास दोबारा, लेकिन यहाँ पर रुकेंगे फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।